हाय, आई एम भूपेंद्र कुमार, को फाउंडर विंजेरा प्राइवेट लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे विंजेरा के आयुजेरा ब्रांड के मिल्क थिसल के बारे में। मिल्क थिसल जो एक प्रिकली प्लांट होता है, जिसका बोटानिकल नेम है साइलिबम मैरिनियम, और इसका जो फ्लावर होता है जिसके बड़े मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं, इसमें एक्टिव इन्ग्रीडियंट के तौर पर साइलिमरीन पाया जाता है, जो 65 से 80% के आसपास पाया जाता है इसमें। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए WHO ने 1970 में इसको हिपेटो प्रोटेक्टिव के रूप में घोषित किया। थोड़ा सा इसकी फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में बातचीत करते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स एंड पॉलीफेनॉल्स पाए गए हैं। अब हम इसके मेजर हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो मेजर हेल्थ बेनिफिट के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के अनुसार किसी भी तरह के लिवर इशू में मिल्क थिसल काफ़ी बेनिफिशियल पाया गया है। तो ये लिवर प्रोटेक्शन में काफ़ी मददगार होता है। क्यों? क्योंकि जो लिवर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं या फ्री रेडिकल की वजह से लिवर सेल डैमेजेस होती हैं, तो इसमें जो सेलिमरीन पाया जाता है, सेलिमरीन एंटीऑक्सीडेंट, उनको लिवर सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा लिवर डिटॉक्सीफाई करने में भी मिल्क थिसल का यूज़ किया जा सकता है, और क्योंकि इसमें फाइबर है, काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो इसको डाइजेस्टिव हेल्थ में भी काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि ये पैंक्रियाज के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, तो ओवरऑल ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफ़ी मदद कर सकता है। और वेरियस हेल्थ इशूज़ में इसके बड़े बेनिफिट पाए गए हैं। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बातचीत करें, सो अगर हम एक प्रिवेंटिव यूज़ के रूप में इसको देख रहे हैं, अपने बॉडी को हेल्दी बना कर रखना चाहते हैं, तो 1 से 2 कैप्सूल हम लोग सुबह और शाम ले सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो हम 3 से 4 कैप्सूल भी दिन में ले सकते हैं, अपना एक ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हैं अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके। और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए? कोई भी ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हेल्थ इशू है, उनको इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वीमेन को इनको अवॉइड करना चाहिए, लैक्टेटिंग वीमेन को इसको अवॉइड करना चाहिए, या कुछ लोग जिनको एलर्जिक हैं प्लांट बेस्ड फूड से या फ्लावर बेस्ड फूड से, जैसे कि आपका रैगवीड हो गया, कैमोमाइल हो गया या मैरीगोल्ड, उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ में इस बेटर बेनिफिट के लिए, ओवरऑल लिवर हेल्थ के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं, सो मैं आपको विंजेरा का सी बकथॉर्न पल्प कॉन्सेंट्रेट भी रेकमेंड करूंगा इसके साथ में। अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, मिल्क थिसल और सी बकथॉर्न पल्प कॉन्सेंट्रेट के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, ओवरऑल आप अपनी लीवर हेल्थ को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर मैं इसको रेकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच।